ਹਾਏ ਤੜਪਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਵੇ ਬਿਲੋਣੀ ਤੇਰਾ। नमस्कार दोस्तों, मैं अकेले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज का एक और सॉन्ग हो चुका है रिलीज, जिस गाने का नाम है लाल घगरा। जिस गाने को गाया है मांज पाजी ने और उनके साथ में नेहा कक्कर ने। हालांकि दोस्तों, गाना एक ओल्ड सॉन्ग है लेकिन इसको रीमेक किया है रीमेक गानों के देवता तनिष्क बागची ने। ये बंदा हद कर देता है, मतलब कि कुछ भी हो जाए ओरिजिनल सॉन्ग भी दे दे लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म में एक रीमेक गाना तो पटकेगा ही पटकेगा। और फाइनली इसने गुड न्यूज में एक और रीमेक गाना पटक दिया लाल घाघरा। लेकिन दोस्तों, यहां पे जो पुराना वाला गाना था उसकी थीम अलग थी और नए वाले गाने को काफी अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया है। और खास वजह यह है कि पुराने गाने का जो सिंगर था उसे यही रखा है, अच्छा हुआ दूसरे सिंगर से गाना नहीं गवाया। बात करें दोस्तों गाने की, तो गाना काफी बढ़िया और काफी एनर्जी से भरपूर लग रहा है। हालांकि जो पुराना वाला गाना था वो थोड़ा स्लो था लेकिन नए वाले गाने को पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर बना और शादी पार्टी में बजाने टाइप का बना दिया है। गाने के वीडियो में देख सकते हैं अक्षय कुमार की एंट्री होती है कैसे बजाते हुए, उसके बाद ताबड़तोड़ डांस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस गाने में उनके अलावा नजर आ रही है करीना कपूर खान। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में ना तो दिलजीत दोसांझ है ना तो कियारा आडवाणी, ये गाना पूरी तरह से अक्षय कुमार और करीना कपूर के लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों, गाने में अक्षय कुमार भी काफी बढ़िया डांस कर रहे हैं, साथ ही साथ करीना कपूर भी धमाल कर रही है। और दोस्तों, अक्षय और करीना की इस गाने में काफी यंग लग रही है और कहीं ना कहीं आपको कमबख्त इश्क वाले अक्षय करीना की याद इस गाने को देखकर आने वाली है। तो दोस्तों, जिस तरह से गुड न्यूज के पहले तीन गाने सुपर डुपर हिट रहे उसी तरह से ये गाने ने भी पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि ये गाना भी पक्का सुपर हिट हो चुका है रिलीज होते ही, मतलब कि गाना काफी ज्यादा व्यूज और लाइक्स लाने वाला है। तो दोस्तों, काफी अच्छी बात है कि गुड न्यूज के जितने भी गाने आए किसी गाने ने भी हमें निराश नहीं किया। नहीं तो आजकल क्या होता है कि किसी भी फिल्म के एक दो गाने अच्छे आ जाते हैं उसके बाद बाकी गाने एकदम कचरा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे करण जौहर का सिलेक्शन मानना पड़ेगा, उसने फिल्म के लिए जितने भी गाने सेलेक्ट किए सब के सब चार्ट बस्टर और सुपर हिट ही किए। तो अच्छा है दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर ने फिल्म का अच्छा बस बना दिया था, उसके बाद गाने भी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, यानी कि ऑडियंस के बीच में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही, गाने के बाद और बढ़ती जा रही। तो अब देखते हैं दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ एक हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा समय बचा है, फिल्म की एडवांस बुकिंग भी 2-3 दिनों में चालू हो जाएगी, उसके बाद फिल्म से जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल पर डेली वीडियो बना के बताता रहूंगा। हालांकि अभी टाइम कम है और ठंड इतनी गिर रही कि वीडियो बनाने में आलसी आती है, मतलब कि हाँ ऊपर मैं अपने रूम में बनाता हूँ वीडियो और इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊँ, अभी भी मैंने हाथ इसमें भर रखे हैं। पर ठीक है, आप गुड न्यूज़ की जैसे एडवांस बुकिंग चालू होगी हर एक दिन की नई अपडेट आपको दूंगा। इसलिए अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। कर लो यार, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, कर लो, बहुत कम फॉलोअर है मेरे और मुझे जल्दी से ज़्यादा करना है। तो अभी मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम। ठंड लग रही है, घर जाओ।